बॉयज़ हॉस्टल से। बॉयज़ हॉस्टल का प्रोसेस क्या रहता है, देखिए बात करते हैं हम गर्ल्स हॉस्टल से। देखिए गर्ल्स हॉस्टल का प्रोसेस क्या है, सेम ही है, पर गर्ल्स हॉस्टल जो है वहाँ पे दो हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल। नैनीताल आकर गवर्नमेंट हॉस्टल्स वगैरह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आज फर्स्ट टाइम वीडियो में क्लिक कर रहे होंगे, तो उन्हें मैं बता दूं 2023 का जो बैच है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं नैनीताल कॉलेज करने, तो उनके लिए मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बता चुका हूं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है अंडर ग्रेजुएशन का, और पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो चीज़ें मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा इसी चैनल में, तो आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। और वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आज का वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलना। तो हम बात करने वाले हैं आज गवर्नमेंट हॉस्टल्स की, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, और वहाँ पे का क्या अकोमोडेशन वगैरह रहते हैं, वहाँ पे क्या चार्जेस रहते हैं, और फूड टाइमिंग क्या रहती है, और प्लस आउटिंग क्या रहती है, ये चीज़ें हम बात करेंगे। तो आज का जो है वीडियो जो है लास्ट तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो हम बात करते हैं पहले बॉयज़ हॉस्टल से। बॉयज़ हॉस्टल का प्रोसेस क्या रहता है, देखिए बॉयज़ हॉस्टल जो है DSB कैंपस में वो एक हॉस्टल है, तो उसमें जो है एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, जैसे जैसे आपने कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, आपका क्लास 12th की परसेंटेज की बेस में ही एडमिशन वगैरह होते हैं। तो वही प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स लेने का प्रोसेस भी वही है, परसेंटेज की बेस में ही आपको एडमिशन वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करने हैं वो कब करने पड़ेंगे, ऑनलाइन करने पड़ेंगे या अभी से फिल करके रखने पड़ेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो है आपका एडमिशन हो जाएगा DSB कैंपस नैनीताल में, तो उसके बाद जो है आपने चाहे फॉर एग्जांपल अपने BSc में एडमिशन ले लिया, तो उसके एक दो हफ्ते बाद आपको वेट करना पड़ेगा। एक दो हफ्ते बाद जो है कॉलेज में ही फॉर्म आता है गवर्नमेंट हॉस्टल का, उसको आपको फिल करके वहीं सबमिट करना पड़ता है ऑफलाइन मोड में। उसके बाद जो है आपको वेट करना पड़ता है, जैसे आपने अभी तक वेट करा था मेरिट लिस्ट का, मेरिट लिस्ट का ही वेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद जो है आपको एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसका फूड चार्जेस क्या रहते हैं, एनुअल चार्जेस क्या रहते हैं हॉस्टल्स का, प्लस वहाँ पे आउटिंग का क्या प्रोसेस है, वो चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है फूड चार्जेस या बताओ या एनुअल चार्ज बताओ, पहले एनुअल चार्ज बता दूँ आपको, वहाँ पे रेंट का क्या चार्ज रहता है पूरे साल का, एनुअल चार्ज पूरे साल का बता रहा हूँ मैं, पूरे साल का रहता है आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़, प्लस 5,000 जो है आपसे सिक्योरिटी चार्जेस लिया जाता है, 5,000 जो आपसे लिया गया है सिक्योरिटी चार्जेस वो आपकी रिटर्न हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ जो है वो है फूड चार्जेस, फूड चार्जेस का रहता है 2,000 से 3,000 रुपये, 2,000 से 3,000 रुपीज़ आपका मंथली आता है फूड चार्ज का, ठीक है। हॉस्टल्स में आपको वाईफाई मिल जाएगा, वाईफाई जो है यहाँ पे 24 आवर्स चलता है, प्लस जो है आउटिंग का प्रोसेस क्या रहता है वो आपको बताता हूँ। आउटिंग जैसे आज का समर डेज है, अंधेरा जो है देर में, तो शाम को जो है 7 बजे से पहले आपको हॉस्टल्स पहुँचना पड़ता है, और विंटर टाइम में क्या रहता है 5 से 6 o'clock के बीच में आपको जो है टाइमिंग होती है, वहाँ पे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे विंटर टाइम आ गया तो विंटर टाइम में आपको 5 से 6 बजे से पहले आपको शाम की वक्त करना हॉस्टल में पहुँचना पड़ता है, और सुबह जो है 5 बजे जो है गेट ओपन हो जाता है हॉस्टल का। ये प्रोसेस जो रहता है ये रहता है बॉयज़ हॉस्टल्स का। अब हम बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल्स का, गर्ल्स हॉस्टल्स का प्रोसेस क्या है, गर्ल्स हॉस्टल का प्रोसेस भी सेम यही है, बट गर्ल्स हॉस्टल्स जो है वो है वहाँ पे DSB कैंपस नैनीताल में। आई थिंक मेरी वॉइस जो है आप लोग तक क्लियर आ रही होगी, और कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, कोई भी दिक्कत आएगी तो सीधे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना बेफिक्र होकर, क्योंकि अभी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं एडमिशन होने के बाद जो है फिर तो क्या क्वेश्चन करोगे। बाकी गर्ल्स हॉस्टल का आपको गर्ल्स हॉस्टल जैसा कि दो है वाईफाई लगा हुआ है, सेम प्रोसेस है कि आप पहले आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, चाहे कोई से भी स्ट्रीम में जाएंगे आप, BSc में लेंगे BA में लेंगे, कोई से भी स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे, उसके बाद जो है आपको एक दो हफ्ता वेट करना है, एक दो हफ्ते बाद जो है फॉर्म आएंगे, फॉर्म में वही परसेंटेज बेस में ही आपको गर्ल्स हॉस्टल्स मिलेंगे, ठीक हो गया वो। उसके बाद वाईफाई लगा हुआ है, टाइमिंग आपकी भी वही है,
मॉर्निंग में जो है आपको 5 बजे गेट ओपन हो जाएगा हॉस्टल का, और शाम को जो है जैसे आज तो समर डेज है तो 7 बजे से पहले आपको हॉस्टल पहुंचना पड़ेगा। और विंटर टाइम में जैसा कि आप लोग को पता है अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो 5 से 6 बजे पहले पहुंचना पड़ता है। अगर किसी के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझ में कोई ही दिक्कत नहीं आती, फुल सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे जो है। गर्ल्स हॉस्टल्स का मैं वो बता देता हूँ आपको, एनुअल चार्ज क्या रहता है पूरे साल का, कोई 10,000 रहता है, और 5,000 जो है उससे सिक्योरिटी चार्जेस रहता है। 5,000 जो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर साल के लास्ट में आपको वो पैसे वापस हो जाते हैं, 5,000 रुपये, और 10,000 रुपये जो है आपसे रेंट लिया जाता है। बाकी अगर आप लोग पीजी वगैरह लेते हैं तो आपको बताइए 6,000 या 6,500 आपको मंथली पे करना पड़ेगा। और बाकी फूड चार्जेस क्या रहता है हॉस्टल में वो बताता हूँ, 2,000 से लेकर 3,000 तक का आपका फूड चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट है अभी किसी भी चीज़ से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना है, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, बाय बाय।